दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। शुरुआत में कोई खतरा नहीं लगा, इसलिए क्योंकि इसकी डिटेल्स आ रही थीं, विजिबल कहीं नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि या तो विदेश में खतरा है, या जो इंडियंस विदेश यात्रा कर रहे हैं या फिर विदेशियों से मिल रहे हैं उनके लिए शायद खतरा है। अब ऑटो से मेट्रो पकड़ के ई रिक्शे से ऑफिस पहुंचने वाली को कैसे हो जाएगा कोरोना वोरोना। लेकिन इसकी एंट्री हुई सूचना और सतर्कता के स्तर पर। मेरा ऑफिस सरकारी ऑफिस, वो भी ऐसा जहां दिन भर लोग आते हैं, इसलिए ऊपर से ऑर्डर आ गए प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए, मास्क पहना जाए। एडवाइजरी को डिस्प्ले बोर्ड में लगाया गया था। थोड़ा डर लगने लगा। बातों से पता चला कि ऐसे केसेस में बुजुर्ग, बीमार और प्रेग्नेंट को ज़्यादा खतरा रहता है। मैं लास्ट कैटेगरी में हूँ, यानी खतरा ज़्यादा है। फिर खबर मिली कि मेरे हस्बैंड सुरेश वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। हम लोग आवश्यक सेवाओं में आते हैं, इसलिए ऐसे में सुरेश की सोशल डिस्टेंसिंग का क्या फ़ायदा। मेरे साथ तो वो भी एक्सपोज हो रहा है ना। प्रेगनेंसी को लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कम से कम मेरे ऑफिस को तो नहीं पता ऐसी किसी एडवाइजरी का। पहले मैंने मेट्रो ऑटो को वगैरह छोड़ के कैब से ट्रेवल करना शुरू करा। रोज का 500 रुपये से ज़्यादा का खर्चा बढ़ गया था। फिर अब तो 21 दिन के लॉकडाउन के बाद ओला उबर भी बंद हैं। ऑफिस के कलीग के साथ कारपूलिंग करके जाना हो रहा है। रास्ते में ना के बराबर ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन सड़कों का ये खालीपन सिरहन पैदा करता है। प्रेग्नेंट लेडी, वो भी सरकारी जॉब वाली, छुट्टियों का बहुत ध्यान रखती है। मुझे पता था छुट्टियों की ज़रूरत कब ज़्यादा पड़नी है, लेकिन अभी ये गणित बिगड़ गया क्योंकि अगले मंडे से छुट्टियों पर जा रही हूँ। हिसाब बाद में देखूँगी। हिसाब सिर्फ अपने काम का ही नहीं, काम वाली दीदी का भी है। उन्हें भी मैंने छुट्टी दे दी है क्योंकि इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सारा काम हम दोनों को करना पड़ता है। कुछ काम प्रायोरिटी देखकर टाल दिए गए हैं। घर वाले यानी मेरे मम्मी पापा सास ससुर चाहकर भी मेरी हेल्प करने नहीं आ सकते, मैंने ही उन्हें मना कर दिया। आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं दोनों परिवार और खतरा बुजुर्गों को ज़्यादा बताया जा रहा है। अगर मैं नॉर्मल होती तो भी इस कोरोना के चलते टेंशन होता ही, लेकिन अभी तो प्रेगनेंसी के चलते और ज़्यादा कंसर्न हो गया। गायनो की अपॉइंटमेंट, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड मिस नहीं कर सकते, पर हॉस्पिटल जाने में भी तो डर लगता है। कोरोना के चलते मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा रही। सोशल इंट्रैक्शन फोन और इंस्टाग्राम तक सिमट गया है। ये सब कम नहीं था कि अफवाह व्हाट्सएप में आ गया राशन पानी भर लो, हेलीकॉप्टर फेंकने नहीं आएंगे। जानती हूँ ये सब फर्जी खबरें हैं, मगर इसके चलते चीज़ों के दाम बढ़ने के बाद सच्ची हैं। इस आइसोलेशन से एक सफोकेशन हो रही है, जबकि मुझे इन दिनों में फ्रेशनेस की बहुत ज़रूरत है। सीपी और होजकास्ट मिस कर रही हूँ, बिंज वॉचिंग के मायने समझ रही हूँ। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।